प्रदूषित पानी और पानी की कमी दोनों समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस बीच हरियाणा के कैथल जिले के एक किसान ने खास पहल की है। दोंगल गांव के किसान लक्ष्मण ने ऐसा वाटर प्यूरिफायर तैयार किया है जो एक घंटे में 80 लीटर पानी को शुद्ध कर देता है। लक्ष्मण के वाटर प्यूरिफायर की लोकप्रियता का आलम यह है कि 58 किसान अपने घरों में इसे लगा चुके हैं, जबकि कृषि विभाग के अधिकारी के घर पर भी इसे लगाया गया है। इसको मैं देश के लिए देता हूँ, किसानों के लिए, क्योंकि भारत के रीढ़ी किसान है। अगर किसान फसल में जहर नहीं डालेगा तो खाएंगे बिना, जहर खाएगा मीन सुधो जाएगी। तो किसानों के लिए मैंने ये 2018 में इसको मैं कंपनियों से दे रहा हूँ, पूरे 29 राज्य में दे रहा हूँ। दरअसल सातवीं क्लास तक पढ़े लक्ष्मण को साल 2002 में हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह अशुद्ध पानी बताया गया। उसके बाद लक्ष्मण ने वाटर प्यूरिफायर पर काम शुरू किया। तीन रोग है, कफ, पित्त, वायु। अगर पेट के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी तो खून साफ होगा, वसा साफ आएगा, छाती मजबूत होगी। अगर छाती मजबूत होगी तो दिल ज्यादा खून सप्लाई करेगा, हमारे हेलमेट में खून ज्यादा जाएगा, वहाँ से ज्यादा मात्रा मिलेगी, तो ज्ञान केंद्र में मतलब उजाला मिलेगा, उससे ज्ञान प्राप्त होगा। लक्ष्मण के इस फॉर्मूले को पेटेंट कराने की भी तैयारी है। इस प्रोजेक्ट को अगर बड़े स्तर पर लगाया जाए तो अशुद्ध पानी को ट्रीट करके किसानों और आम लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। कैथल से विपिन भारद्वाज, जी मीडिया।